बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हब। क्या हाल है व्यूअर्स? व्यूअर्स कैसा जा रहा है आपका रमजान मुबारक? उम्मीद करती हूँ आपका बहुत अच्छा रमजान जा रहा होगा। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी इबादत करने की तौफीक दे और हम सब पर अपनी रमजान की खास रहमत से बरकत हम सब पर नाजिल करे, आमीन सुम्मा आमीन। जी व्यूअर्स, तो शुरू करती हूँ आज की वीडियो। आज की वीडियो में बहुत छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ मैं। आज मैं आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त एक फेस पैक लेकर आई हूँ। ये फेस पैक बहुत जबरदस्त है, ये लगाते ही आपको अपनी स्किन के ऊपर चेंजिंग तब्दीलियाँ फील होंगी, क्योंकि ये जब आप इसको लगाएंगे उसके बाद इसको ट्राई करने के बाद आपने इसको रब करके उतारना है तो उसके बाद आपका चेहरा इतना खूबसूरत हो जाएगा कि आपको वाकई खुद फर्क फील होगा और आप माशाल्लाह से खुद इसको बनाकर फिर अप्लाई करेंगे अपनी स्किन के ऊपर, तो इसको आप वीक में 2 or 3 times यूज़ करेंगे। तो आइए मैं बताती हूँ मैं ये फेस पैक किस तरह बनाऊंगी। वैस मेरे पास ब्यूटी हब में आज यहाँ पर मौजूद है दो तरह की चीज़ें। जी वैस मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले है फेनस उपटन, आप कोई सा उपटन ले लीजिए, ठीक है। मेरे पास ये है, आप ये ले लीजिए, क्रीमी ले लीजिए, ड्राई फॉर्म में ले लीजिए, कोई सा उपटन आप ले लीजिए। उसके बाद सेकंड में मेरे पास यहाँ पर है हुस्ने यूसुफ, ये देखिए। जी हाँ, हुस्ने यूसुफ जैसे कि नाम से पता है ये बाजार में आम मिल जाता है, अगर आप उस घर में मौजूद है तो ठीक है। मैं आपको बताऊँगी आपने उपटन को डालना है तकरीबन 1 चम्मच आपको भर के। उसके बाद सेकंड में मैं इसमें हुस्ने यूसुफ डालूंगी, 1/2 चम्मच मुझे हुस्ने यूसुफ चाहिए। अगर आपके पास हुस्ने यूसुफ नहीं है तो आप इसके अंदर आलमंड ऑयल और साथ एलोवेरा जेल मिक्स करके आप ये पेस्ट बनाकर फेस पे लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास ये हुस्ने यूसुफ घर में नहीं है। जी बस देखिए मैंने दोनों चीज़ इसमें डाल दी, अब मैंने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। तो मिक्स करने के लिए मेरे पास एक वुड की स्टिक है और थोड़ा सा यहाँ पे दूध है, ये देखिए। आप कोई सा रॉ मिल्क ले लीजिए, ये देखिए इसकी क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जी बस जैसे कि आपको पता है कि ज़माने कदीम में लोग जो थे शाही खानदान की जो लेडीज होती थी वो अपने हुस्न को निखारने के लिए उपटन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी, इसलिए उपटन जो है ये बहुत ही पुरानी ब्यूटी टिप्स में ये मतलब ब्यूटी टिप्स के तौर पर ये यूज किया जाता है उपटन, जैसे कि वो घर में खुद पीस कर इसको बनाती थी। देखिए इसको आपने इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसकी जो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर दोनों की मिल्क मिक्स होकर जितना हो जाए। जी बस तो ये हमारा देखिए उपटन तैयार हो गया, ये ना तो ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा रनी है, ये मैंने इस तरह इसको नॉर्मल फॉर्म में रखा है ताकि आसानी से हमारी स्किन के ऊपर इसका स्प्रेड कर दूंगी यानी इसको फैला दूंगी। आपने इसको इस तरह बना के तो अपने फिंगर टिप की मदद से इस तरह लेकर आपने अपनी स्किन के ऊपर इसको इस तरह फैला देना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि उपटन जो होता है इसको आपने हमेशा ड्राई फुल करके और इसको फिर रब करके उतारना होता है। ड्राई होकर फिर आपने इसको अपने गीले हाथों से थोड़ा सा दोबारा हल्का सा आपने इसको वेट करना है हैंड को, और हैंड को वेट करके फिर दोबारा से आपने इसका मसाज करना है। मसाज करने के बाद फिर आपने इसको उतार देना, जो कि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अंदर हुस्ने यूसुफ है, इसके अंदर उपटन है और इसके अंदर मिल्क है, रॉ मिल्क। जी बस मैंने पूरे हाथ इसको फैला दिया, मैं इसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ूंगी फुल ड्राई होने के लिए। जी बस देखिए मेरा हाथ काफ़ी तक ड्राई हो चुका है, मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। जी बस मेरा हैंड ड्राई हो चुका था, मैंने इसको थोड़ा सा रब किया और फिर मैंने इसको अगेन वॉश किया और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा साफ सुथरा स्मूथ हो गया, बहुत चमकदार शाइनी हो गया। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेमेडी बहुत पसंद आएगी, आप इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि ये फेस पैक मैंने ज़्यादा फेस के लिए बनाया है। आप इसको फेस के ऊपर अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको उसके बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आज की मेरी वीडियो यहीं पर खत्म होती है, नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी और डिफरेंट रेमेडी के साथ फिर आऊंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।